Assalamualaikum, my dear students. My name is Neha Faisal. I am your general knowledge teacher of grade 2. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publisher. Students, today we will study chapter number 4, and the name of this chapter is Religious Festival in Pakistan. Before starting this chapter, I will discuss students' learning outcome. After completing this chapter, the students will be able to number 1. Identify why Muslims celebrate Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Number 2. Describe how people celebrate Eid al-Fitr and Eid al-Adha. And the last point is identify cultural and religious festivals that are celebrated by different faiths in Pakistan. प्यारे बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि religious festival किसे कहते हैं? इस्लामी त्यौहार ऐसे त्यौहारों को कहा जाता है जो कि एक ही मजहब के लोग एक ही दिन मनाते हैं. जैसे कि पाकिस्तान में मुसलमान एक साल में दो ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर एंड ईद उल अजहा. माई डियर स्टूडेंट्स, फेस्टिवल्स आर अ सोर्स ऑफ जॉय. त्योहारों पर बच्चे बड़े अपने पसंद के कपड़े पहनते हैं, अपने पसंदीदा खाने खाते हैं, जबकि अपने रिश्तेदारों और दीगर अफराद से मिलते हैं. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट ईद उल फितर. जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, मुसलमान रमज़ान के 29 या 30 रोज़े रखते हैं. रोज़े में खाने से मना किया गया है, जबकि झूठ बोलना, चोरी करना, गीबत करना और दीगर गुनाहों से बचने की भी तलकीन की गई है. मुसलमान मगरिब के वक्त अपना रोज़ा अफ्तार करते हैं. Eid al-Fitr is celebrated on the first of Shawwal. People wear different dresses. बच्चे अपने पसंदीदा कपड़े पहनते हैं, बड़े भी नए कपड़े पहनते हैं और इस दिन लोग मीठी सेवइयां, अपने पसंदीदा और मज़ेदार खाने पकाते हैं. You should give fitrana to the poor people. हमें फितराना गरीब लोगों को रमज़ान के दिनों में देना चाहिए ताकि वो भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो सकें. हमें अपनी खुशियों में गरीबों को भी शामिल करना चाहिए. ईद पर लोग सबसे पहले नमाज अदा करते हैं, उसके बाद एक दूसरे से मिलते एंड दिस से ईद मुबारक टू ईच एंड एवरी वन. इसके बाद लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, छोटे बच्चों को ईदी दी जाती है और बच्चे इससे बहुत लुत्फानंदोज होते हैं और सारा दिन अपनी पसंदीदा चीज़ें खाते रहते हैं. नाउ आई विल डिस्कस ईद उल अजहा. ईद उल अजहा इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th ज़िलहज. ईद उल अजहा से पहले लोग मुख्तलिफ जानवर खरीदते हैं और उनकी देखभाल करते हैं. प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे जानवरों को बिलावजह तंग भी करते हैं, जबकि ये बहुत बुरी आदत है. आपको कुर्बानी के जानवर बल्कि दीगर जानवरों के साथ भी प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए. ईद उल अजहा इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेक्रीफाइस ऑफ हज़रत इस्माईल अलैहि सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम. ईद की नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं और इसके बाद अपने जानवरों को ज़िबा करते हैं. ज़िबा करने के बाद ये गोश्त गरीबों, मस्कीनों, रिश्तेदारों, हमसायों और कुछ हिस्सा गोश्त का अपने पास भी रखते हैं. लेकिन प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग गोश्त अपने पास ही रख लेते हैं, जबकि ये बहुत बुरी आदत है. आप लोगों को चाहिए कि अपनी खुशियों में दूसरे गरीबों, अपने बहन भाइयों, हमसायों को भी शामिल करें और गोश्त तमाम लोगों तक तकसीम करें. हम इन जानवरों की कुर्बानी करते हैं. नाउ आई विल शो यू पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. नंबर 1 इज कैमल. हम ऊंट की भी कुर्बानी करते हैं. नंबर 2 इज शीप, ही गोट. एंड द लास्ट पिक्चर इज बुल. ओके माय डियर स्टूडेंट, देयर इज अ एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 23. कलर दीज एनिमल्स सो दैट दे लुक ब्यूटीफुल. ये तीन जानवर आपकी किताब पर बने हुए हैं, इनमें आप लोगों ने खूबसूरत रंग भरने हैं ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लग सके. फेस्टिवल्स ऑफ नॉन मुस्लिम. जैसे कि प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों आबाद हैं, इसीलिए पाकिस्तान में मुसलमान और गैर मुसलमान अपने अपने त्यौहार अलग अलग दिन मनाते हैं. गैर मुस्लिम भी अपने मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं, जिनमें से क्रिसमस, होली एंड बैसाखी. माई डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस क्रिसमस. जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्रिसमस क्रिश्चियंस सेलिब्रेट करते हैं. इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25th दिसंबर. इट इज टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस. इस दिन ईसाई नए लिबास पहनते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हैं और एक दूसरों को मुख्तलिफ तोहफे और तहाइफ देते हैं. वो ये दिन बहुत खुशी से मनाते हैं. दे ऑल्सो कट स्पेशल केक्स ऑन क्रिसमस.
Now I will discuss Holi. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की भी रहती है और ज़्यादातर ये लोग सिंध में पाए जाते हैं। हिंदू अपना त्यौहार होली हर साल मनाते हैं एंड होली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ये तकरीबन दो दिन मनाया जाता है एंड इज सेलिब्रेटेड इन मार्च और अप्रैल ईच ईयर। लोग एक दूसरे पर मुख्तलिफ रंग फेंकते हैं और बहुत मज़ेदार पकवान खाते हैं, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हमसायों और दीगर लोगों से मिलते हैं। पीपल थ्रो कलर्ड पाउडर एंड वाटर एट वन अनदर। वो ये त्यौहार बहुत खुशी से मनाते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी टीवी पर या कभी आप ऐसी जगह पर गए हैं जहां ये त्यौहार मनाया जा रहा हो? क्या आप लोगों को एक दूसरे पर रंग फेंकना पसंद है? तो आप लोग मुझे बताएं, क्या आप लोगों को होली का त्यौहार पसंद है? बैसाखी। बैसाखी इज एन एंशियंट ट्रेडिशन और फेस्टिवल ऑफ सिख रिलीजन। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट ऑफ द फिफ्थ मंथ बैसाख ऑफ द पंजाबी कैलेंडर। पाकिस्तान में भी बहुत से सिख आबाद हैं, जबकि हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा सिख पाए जाते हैं और वो ये बैसाखी का त्यौहार अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हमसायों और एक दूसरे के साथ बहुत जोश और वलवले के साथ मनाते हैं। इस दिन वो मुख्तलिफ पकवान पकाते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खिलाते हैं। कल्चरल फेस्टिवल्स। पीपल सेलिब्रेट्स डिफरेंट कल्चरल फेस्टिवल लाइक मेला चरागा, शंदूर पोलो फेस्टिवल एंड सिबी मेला इन बलूचिस्तान। मुख्तलिफ सयाह ये त्यौहार मनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों के साथ जाते हैं। बहुत से सयाह शंदूर पोलो फेस्टिवल देखने दूर दूर से आते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी इन मेलों में से या इन शंदूर पोलो फेस्टिवल मेला चरागा पर कभी गए हैं? अगर कभी गए हैं तो मुझे बताएं कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पर आया है और आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 25। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी ईद्स डू द मुस्लिम सेलिब्रेट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुसलमान एक साल में दो ईदें मनाते हैं। नंबर वन ईद उल फितर एंड द सेकेंड वन इज ईद उल अजहा। सेकेंड क्वेश्चन इज On what date of Eid al-Fitr is celebrated? Well, my dear student, it is celebrated on 1st of Shawwal. And the third question is, how do Muslims help the poor on Eid al-Fitr? प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ईद उल-फितर पर हमें गरीब लोगों को फितराना देना चाहिए ताकि वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो सकें। How is sacrificial meat distributed on the day of Eid al-Adha? प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम सारा गोश्त अपने फ्रिज और फ्रीज़र में ना रखें, बल्कि गरीबों, अपने दोस्तों, हमसायों और अपने इर्द गिर्द के लोगों में गोश्त तकसीम करें ताकि वो भी हमारे साथ इस ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। And the last question is, who celebrate Holi? Holi is one of the most popular festival of Hindus. And the second question is, fill in the blanks from the trayer box. प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक यहाँ पर बॉक्स दिया गया है। इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, आप लोगों ने स्टेटमेंट के मुताबिक उस वर्ड को वहाँ पर लिखना है। नंबर वन इज बैसाखी इज सेलिब्रेटेड बाय डैश। प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि बैसाखी का त्यौहार कौन लोग मनाते हैं? एग्जैक्टली सिख, यहाँ पर हम सिख लिखेंगे। नंबर टू इज क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय डैश, एग्जैक्टली क्रिस्टन्स। Number 3 is Christmas marked the birth of Dash and the correct answer is Jesus. Number 4th is Mela Dash is held in Lahore every year and the correct word is Charaga. To celebrate the tradition and culture in region in Balochistan, Mela is held in Dash and the correct word is Sibbi. My dear student, now I will show you some picture of different religion and you will tell me the name of this festival and one sentence about it. Number one is, and the first picture is, प्यारे बच्चों, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये तस्वीर कौन से त्यौहार की है? ईद उल फितर। ईद उल फितर पर मुसलमान नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। Number two is Christmas. तो प्यारे बच्चों, ये तस्वीर क्रिसमस फेस्टिवल की है। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25th ऑफ दिसंबर एंड इट इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल शो यू लास्ट पिक्चर। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये तस्वीर कौन से त्यौहार की है?
जी बिल्कुल, ये तस्वीर होली की है जो कि हिंदू साल में दो दिन मनाते हैं। Well students, that is all I have for today. I hope you understand this lecture. Stay tuned until next time. Allah Hafiz.